जी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राज बड़ेता मुखिया पद हेतु उम्मीदवार उमा देवी, निवेदक भाई कामेश्वर सिंह पूर्व सैनिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, प्रखंड रूनी सैदपुर जिला सीतामढ़ी। दीजिए उमा देवी बड़ेता पंचायत। और आप बड़ेता पंचायत से मुखिया प्रत्याशी? हाँ, मुखिया प्रत्याशी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मोतियों की माला। और ईवीएम में एक नंबर पर? हाँ। परिचय दीजिएगा। नाम हो गया राकेश कुमार सिंह। किस पंचायत में घर है? बरहेता पंचायत में। और प्रत्याशी कौन हुई? मेरी माँ हुई उमा देवी। मुखिया प्रत्याशी हुई जिनका चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला, एक नंबर में है। और मेरे पिताजी हैं जो आर्मी से रिटायरमेंट है, आज साधु बने हुए हैं, जो पूरे पंचायत की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले जब कोरोना काल आया हुआ था तो पूरे बरहेता पंचायत में वो मास्क और सैनिटाइजर, मेडिसिन सारे चीज़ बंटवाए थे। और खुद भी और उनका लड़का, मैं भी उसमें एक्टिव था। क्योंकि मैं भी डॉक्टर के पास काम करता हूँ, और मैं डॉक्टर के पास काम करने के कारण मेरे साथ लमसम 200 वर्कर थे, और 200 वर्कर पूरे बरहेता पंचायत में एक एक घर में जाके सबको मेडिसिन का अवेलेबल कराया और सबको सैनिटाइजर दिया, सब चीज़ दिया। आज मेरे पिताजी को नहीं घूमने का कारण है, कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मैं पटना वेंटिलेटर पे था और मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। आज मेरी माँ इस पंचायत को सेवा करने के लिए इस मुखिया प्रत्याशी है, और आप लोगों से बस इतना ही विनती है कि एक बार मेरी माँ को उस अहदे पे पहुँचाए। और अहदे पे पहुँचाने के बाद इससे आगे भी जो आपका जो सेवा होगा वो मेरे पिताजी पूरा करेंगे, उसमें कहीं कमी नहीं होगी। जब कोई प्रत्याशी नहीं था, जब मेरे पास कोई पावर नहीं था, तो हम लोगों ने इतना लगाया। जब आप लोग पावर दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हिसाब जो एक जब विधायक नहीं कर पाता है, उतना हमने किया है कोरोना काल में, जिस काल में कोई अपना मीडिया वाला भी अपने घर से निकल के नहीं जा रहा था। क्योंकि पब्लिक के बीच में जाएगा। और हमने 200 लड़के को लेके इस बरहेता पंचायत में, पूरे बरहेता पंचायत में लेके, और सबको मेडिसिन, सबको मास्क और सैनिटाइजर बांटा। आज मेरी माँ खड़ा है और मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर है, इससे पहले देश का सेवा किए। हमने सब घर को देखा, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब चीज़ को देखा और सबको देखा और सबको एक तराजू पे तोला। ये नहीं कि इनको देखना है उनको देखना है। और इससे आगे भी मेरी माँ अगर जीत जाएगी तो आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा, यही रहेगा। चलिए सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।